पूसा प्रखंड की मुरचंड गांव निवासी व शिक्षक बैजू राय व मां अर्चना राय की पुत्री शिवानी राय मिस इंडिया बिहार 2019 व मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर 2019 चुनी गई। प्रतियोगिता के कई दौड़ पार कर इस सम्मान को पाकर शिवानी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कीजिए। बिहार के वैशाली जिले में वैशाली थाना क्षेत्र दाऊदपुर गांव के कथित छेड़खानी का विरोध करने वाले एक ही परिवार के 16 सदस्यों पर आज तेजाब फेंक दिया गया। पुलिस राघव दयाल मामले की पुष्टि करते हुए यह बताया कि बच्चों के मामूली विवाद में दाऊदपुर गांव के दो परिवार आपस में भिड़ गए। दूसरे पक्ष ने दो महिला समेत 13 सदस्यों पर तेजाब फेंक दिया। एम्स के कैंसर सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार गरीब मरीजों का दर्द महसूस करते हैं, उनके इलाज न करा पाने की परेशानी को जानते हैं, इसीलिए वह बिहार में जाकर महीने में एक बार कैंप लगाते हैं। एम्स के कैंसर सर्जन बिहार के गांव में लगाते हैं फ्री मेडिकल कैंप लगाकर सुनील कुमार बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं गरीबों के लिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों का तबादला किया गया है। तिरहुत और मगध प्रखंडल के आयुक्त और 5 जिले के डीएम भी बदले गए। पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और बेगूसराय में नए डीएम की तैनाती की गई। राज्य सरकार ने मंगलवार को तबादले की अधिसूचना जारी कर दी। अमित कुमार पांडे पटना नगर निगम के लिए नए आयुक्त होंगे। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया जिसके मुताबिक माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर अब बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर बिहार में रहने वाले बच्चे अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा विभाग ने कंडक्टर पर काम कर रहे 22 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इनकी पोस्टिंग जिले के विभिन्न ब्लॉक में थी। विभाग ने ये आदेश उस वक्त दिया था जब उसे पता चला कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काम कर रहे थे। इससे पहले 4 शिक्षक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। केनरा बैंक ने ट्वीट कर बताया है कि वह एटीएम से पैसा निकालने की सर्विस पर ओटीपी सर्विस शुरू कर दी है। बैंक ने कहा है कि अगर आप एक दिन में एटीएम से 10,000 रुपये से अधिक पैसा निकालते हैं तो आपको ओटीपी डालना होगा। इससे ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसा निकालना पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा। कन्हौली के पास NH57 पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक दवा दुकानदार को चाकू से जानलेवा हमला कर करीब 55,000 रुपये व लैपटॉप छीन भाग निकला। घटना सोमवार की रात करीब 9:15 बजे की बताई जा रही है। बदमाशों ने दवा दुकानदार के पेट में चाकू मारा है जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उस रात की ही इलाज के अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। झारखंड कैडर के IPS SN प्रधान ने सेवा और संपन्न की एक बड़ी मिसाल कायम की है। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख जीते, जिसके बाद उन्हें अपने पूरे इनाम की राशि शहीदों के नाम कर दिया। आपको बता दें कि इस एपिसोड का प्रसारण सोनी TV पर 30 तारीख को दिया जाएगा। 25 लाख रुपए शहीदों के नाम किया। झंझारपुर में रेलवे स्टेशन का काम, पहला काम स्टेशन बन चुका है, स्टेशन पर ईटा बिछाना स्टार्ट हो गया है। तीसरा काम, 2 रेलवे क्वार्टर बन चुका है और तीसरा बनने जा रहा है। पानी निकालने के लिए कोई भी नाला नहीं बना है। 2 साल पहले स्टेशन का काम शुरू हुआ था लेकिन अब कब तक खत्म होगा ये किसी को पता नहीं। सुनने में आया है कि 2020 तक गाड़ी चलने लगेगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी है उसे ज़रूर दबा दीजिए।